अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है और ऐसे में इसके लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। अयोध्या को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है, साथ ही दिवाली जैसा माहौल भी बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भव्य स्वागत होने वाला है। भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 5,100 कलश तैयार किए गए हैं। कुछ कलश भूमि पूजन में इस्तेमाल होंगे और कुछ कलश जो जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा वहां पर सड़क के दोनों किनारों पर इसे लगाया जाएगा। अयोध्या में आज और कल उनमें दीप भी जलाए जाएंगे। पीएम मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तब सरयू दर्शन पूजन आचमन करेंगे और फिर वहां हनुमान घड़ी आएंगे और यहां हनुमान जी के दरबार में दर्शन पूजन और परिक्रमा की जाएगी। यहां पीएम मोदी को आशीर्वाद और मान स्वरूप साफा भी बांधा जाएगा, साथ ही एक गदा सौंपा जाएगा। अयोध्या में आज शाम से बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान शहर के बाजार खुले रहेंगे लेकिन एक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी रहेंगे और इस दौरान वह पीएम मोदी को रामचरितमानस राम नाम का साफा भी देंगे। अयोध्या में अभी से ही भजन कीर्तन शुरू हो चुके हैं, जगह जगह संतों का डेरा डला हुआ है और लोगों से रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहा जा रहा है।